हमारा माइकल। ओहो ओ अच्छा हुआ हमारा ये प्लेन बच गया। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हम हमारे व्हीकल्स के ऑल डोर्स कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका प्लेन होगा तो उसका बैक डोर हम कैसे ओपन कर सकते हैं ताकि हमारे व्हीकल को हम कैरी कर सकते हैं प्लेन में से। अगर आपकी कार होगी तो उसके ऑल डोर्स हम कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि रियर डोर भी हम कैसे ओपन कर सकते हैं कार के, वो भी हम देखेंगे। अगर आपका ट्रक होगा तो हम ट्रक का बैक डोर कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी देखने वाले। और साथ ही साथ में हम ये भी देखने वाले कि हमारा जो कार्गो बॉब होता है उससे हम हमारी कार को कैसे पिकअप कर सकते हैं और हमारी हम कार को टो करके लेकर जाएंगे, यानी कि हमें जहां पर भी हमारी कार को डिलीवर करना है वहां पर हम हमारे कार्गो बॉब से उसे डिलीवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें मेन्यू ट्रेनर का यूज होने वाला है। मेन्यू ट्रेनर हमारा एक वन मैन आर्मी है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर है इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। अगर आपने मेन्यू ट्रेनर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना और मेन्यू ट्रेनर को इंस्टॉल कर लेना। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमें लगने वाला है मेन्यू ट्रेनर। तो मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल करने के लिए आपको लगने वाला है latestscripthookv.net। आपको एक स्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट करना है, उसमें इंस्टॉल करना है नेटिव यूआई। ये सारा सेटअप कंप्लीट करते ही आपका मेन्यू ट्रेनर अच्छे तरीके से वर्क करेगा। गाइज मैं कहना चाहूंगा कि आप ये ओपन आईवी भी इंस्टॉल कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ, और एक मॉड्स का फोल्डर भी क्रिएट कर लेना, क्योंकि ये सारे स्टेप्स मॉड इंस्टॉलेशन के लिए बेस है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना। ये सारे स्टेप्स आपको मेरे हाउ टू इंस्टॉल फॉर्च्यूनर मॉड से कवर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप मेरा वीडियो देखिए और मेन्यू ट्रेनर को भी इंस्टॉल कीजिए और एक मॉड का बेसिक सेटअप भी क्रिएट कीजिए। तो गाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पर जाके सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना। चलिए हम देखने वाले यहाँ पर गेम में जाके हम हमारे व्हीकल्स के ऑल डोर कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए जाते हैं गेम में। तो यहाँ पर हमारी गेम हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पर तो हम एयरपोर्ट पर जाने वाले, यहाँ पर हमें जो टेस्ट करना है यहाँ पर, उसके लिए हम एयरपोर्ट पर जाने वाले। तो हम आ गए एयरपोर्ट पर यहाँ पर। गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाने वाले हैं। अभी हमारा जो एम है वो है 20,000 सब्सक्राइबर्स, तो हम एम को अचीव कर ही रहे हैं। बाबा आ गए हम नीचे, बड़ी मुश्किल से हम लैंड कर रहे हैं यहाँ पर, और लैंड हो चुका है हमारा प्लेन। अरे रुको 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 रुको, क्या टर्न मारा है। ओहो अरे हटो यार हटो, क्या कर रहे हो, प्लेन लैंड कर रहे हैं हम, बीच में आ गए तुम भी। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर कार्स भी है, बाइक्स भी है, हमारे ट्रक्स भी और प्लेन्स भी है। तो हम पहले कार में देखेंगे। देखिए हम कार में बैठ गए यहाँ पर। तो हमें F8 प्रेस करना है यहाँ पर। देखिए आपको जाना है व्हीकल ऑप्शंस में, मेन्यू कस्टम्स में, और देखिए आपको यहाँ पर डोर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यही हमारी मेन की जिससे हम ये फंक्शंस कर सकते हैं। तो डोर्स में जाएंगे हम। देखिए ये रहा ड्राइवर डोर, ये रहा पैसेंजर डोर। तो रियर लेफ्ट और राइट अगर डोर्स रहेंगे तो वो भी ओपन हो जाएंगे इससे। और देखिए हुड ट्रंक ऑल डोर्स, तो ऑल डोर्स ऐसे ओपन हो जाएंगे। तो गाइज ये रही SUV, तो इसके सारे डोर्स हम देखेंगे कैसे ओपन होंगे। यहाँ पर मैं F8 प्रेस करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा व्हीकल ऑप्शन में, मेन्यू कस्टम्स में, और यहाँ पर आपको डोर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए ड्राइवर डोर, रियर लेफ्ट, रियर राइट, हुड, तो ये देखिए हुड भी ओपन होगा इसका, ट्रंक, और ये ट्रंक भी ओपन होगा। तो देखिए सारे डोर्स हमारे ओपन हो गए यहाँ पर। देखिए ऑल डोर्स हो चुके ओपन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्लिक करते आपके ऑल डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये बढ़िया ऑप्शन है। तो ये फीचर हमारी कार के लिए था। ये हमारा बड़ा सा ट्रक है, देखिए जॉइंट ट्रक है, और इसके पीछे है डोर, ये डोर है, और ये हमारे कुछ ट्रक्स यहाँ पर खड़े। ये ट्रक क्या कर रहा है पता नहीं, भागो यहाँ से। अरे यार ये कब बंद होगा, इतना नॉइस पोल्यूशन, खत्म। तो ये रहा हमारा ट्रक। तो देखिए हम जाएंगे मेन्यू ट्रेनर में, F8 प्रेस करेंगे, हम जाएंगे व्हीकल ऑप्शंस में, मेन्यू कस्टम्स में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डोर्स का। तो यहाँ पे देखिए पैसेंजर डोर, ड्राइवर डोर, रियर लेफ्ट, देखिए ये पीछे का डोर ओपन हो चुका है, ये हुड,
ट्रंक यहाँ पे देखिए, तो ये इतने सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं ट्रक के। तो देखिए पीछे का भी डोर ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो देखिए ये डोर हो चुका है ओपन यहाँ पर, तो हम देखिए अंदर आ गए यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये ट्रक का भी डोर वैसे ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है व्हीकल ऑप्शन में, मेन्यू कस्टम्स में, और यहाँ पे डोर्स में ऑल डोर्स। देखिए इसके भी ऑल डोर्स ओपन हो गए यहाँ पर। इसी तरीके से हम ये ट्रक पे भी ट्राई करेंगे। और देखिए, और देखिए ये भी सारे डोर्स ओपन हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये ट्रक में भी हम जा सकते हैं। तो हम ये अप्लाई करने वाले प्लेन्स पर देखिए, ये हमारा बिग प्लेन है। तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ये प्लेन को यूज़ करते हैं, इससे कार को कैरी कर कर लेके जाते हैं। मुझे लगा डोर लॉक है। तो देखिए बड़ा प्लेन है, तो ये कैरी करके लेके जा सकता है। तो देखिए ये कार्गो कैरी करता है ये प्लेन। तो यहाँ पे हमें एफेक्ट प्रेस करना है, जाना है व्हीकल ऑप्शंस में, मेन्यू कस्टम्स में, और जाएंगे हम डोर्स में। तो देखिए यहाँ पे ट्रंक पे क्लिक करना है। तो देखिए ये पीछे का डोर ओपन हो जाएगा, बैक डोर। तो देखिए बैक डोर ओपन हो चुका है हमारे प्लेन का। ओहो, तो हमारी कार आ गई है प्लेन के अंदर। तो देखिए हमने इसे कैरी कर लिया है। तो हमारी कार देख सकते हो आप प्लेन के अंदर है यहाँ पर। तो चलिए अभी अप्लाई करने वाले कार्गो बॉब पर हम। तो ये कार्गो बॉब है व्हीकल ऑप्शंस में, मेन्यू कस्टम्स में, यहाँ पे जाएंगे डोर्स में। और देखिए इसमें पैसेंजर डोर है और ये रियर लेफ्ट है। तो रियर लेफ्ट कर दिए, ओपन हो गया डोर। तो इसका डोर ओपन हो चुका है। तो ये कार्गो बॉब की हाइट थोड़ी कम है, तो आप छोटी चीज़ें ही कैरी कर सकते हैं। देखिए ये बाइक नहीं जाएगी। तो देखिए इसका भी बैक डोर ओपन हो चुका है यहाँ पर, दोनों भी कार्गो बॉब का। तो अभी हम देखने वाले हम कार्गो बॉब से कार को कैसे पिक कर सकते हैं। तो देखिए हम कार्गो बॉब को यहाँ पर लिफ्ट करेंगे। ये हमारा कार्गो बॉब लिफ्ट हो गया ऊपर। तो आपको अभी ई प्रेस करना है। देखिए ई प्रेस करते ही आपका हुक आ गया यहाँ पर। तो देखिए ई प्रेस करने से हुक आ जाता है। तो आपको होवर करना है। तो देखिए मैं कार्गो बॉब को होवर करूँगा। ये सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए हमने बाइक को यहाँ पे हुक कर लिया है और हमने यहाँ पर बाइक को टो कर लिया है। देखिए तो इस तरीके से आप टो कर सकते हैं बाइक को या फिर कार को। कार का वेट ज़्यादा होता है तो कभी कभी हमारा कार्गो बॉब उसे कैरी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर, और अनहुक करने के लिए ई प्रेस करिए तो ये बाइक चली जाएगी, अनहुक हो जाएगी। और ये हमने उसे डाल दिया नीचे और ये हमारी बाइक आ गई नीचे। तो इसी तरीके से आप भी ऐसे इसे टो कर सकते हैं, आपकी कोई भी अगर कार होगी या फिर बाइक होगी उसे। हमारा माइकल, ओहो, ओ अच्छा हुआ हमारा ये प्लेन बच गया। तो गाइज इसी तरीके से आप सारे व्हीकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं ये डोर का ऑप्शन, और आप कैरी कर सकते हो देखिए। और ये कार्गो बॉब यूज़ करके आप कोई भी कार या बाइक को पिक कर सकते हो। तो आप ये भी प्लेन का बैक डोर ओपन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ऑल करते ही यहाँ पे सारे डोर्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। प्लेन अगर आप फ्लाई करोगे तो कार बाहर आ सकती है क्योंकि कार हमारी अटैच नहीं है। तो गाइज डोर बंद कर देंगे हम यहाँ पर, एफेक्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बंद करेंगे डोर सारे। देखिए हमने डोर्स बंद कर दिए और ये हम टेक ऑफ करते हुए प्लेन से, और ये हमारा प्लेन टेक ऑफ हो रहा है और हम यहाँ पे चल पड़े हमारी कार के साथ। हम कार को कैरी कर रहे हैं और ये हमने टेक ऑफ कर लिया है सक्सेसफुली। देखिए हमारे प्लेन बहुत स्लो प्लेन है भाई, आराम से उड़ रहा है। देखिए भाई ठोक ना दे कहाँ पर, और ये हम निकल पड़े हैं। तो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ लाते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइज मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। भाई पानी में गिरना, पानी में गिरना, पानी में गिरना, जमीन पर नहीं, पानी पर गिरना, बराबर बॉर्डर लाइन पर हम, पानी में ही गिरना। हाँ शुक्र है भाई पानी में गिर गए।